अडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना हो। डॉक्टर जोशी की मेरी स्वयं वार्ता होगी और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शुमार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से उनके स्वास्थ्य और उम्र के कारण अगले महीने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने का अनुरोध किया गया है। राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आडवाणी और जोशी को आमंत्रित किए जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा कि दोनों परिवार के बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे न आने का अनुरोध किया गया, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी की मेरी स्वयं वार्ता होगी और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरु जी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा। राय ने कहा कि 22 जनवरी को अभिषेक समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि तैयारियां 15 जनवरी तक पूरी हो जाएंगी और प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा 16 जनवरी से शुरू होगी जो 22 जनवरी तक चलेगी। आमंत्रित लोगों की विस्तृत सूची देते हुए राय ने कहा कि स्वास्थ्य और उम्र संबंधी कारणों से आडवाणी और जोशी संभवतः अभिषेक समारोह में शामिल नहीं होंगे। आडवाणी अब 96 साल के हैं और जोशी अगले महीने 90 साल के हो जाएंगे। राय ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से मिलने और उन्हें समारोह में आमंत्रित करने के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न परंपराओं के 150 साधु संतों और 6 दर्शन परंपराओं के शंकराचार्यों सहित 13 अखाड़े इस समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम में लगभग 4000 संतों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा 2200 अन्य मेहमानों को भी निमंत्रण भेजा गया है। प्रतिष्ठा समारोह के बाद 24 जनवरी से उत्तर भारत की परंपरा के अनुसार 48 दिनों तक मंडल पूजा होगी। वहीं 23 जनवरी से आम लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राय ने बताया कि अयोध्या में 3 से अधिक स्थानों पर मेहमानों के ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विभिन्न मठों, मंदिरों और गृहस्थ परिवारों द्वारा 600 कमरे उपलब्ध कराए गए हैं। आगामी 25 दिसंबर से 3 प्रमुख स्थानों पर भंडारा भी शुरू हो जाएगा। इस बीच अयोध्या नगर निगम ने प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए शौचालय और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में राम कथा कुंज कॉरिडोर बनाया जाएगा। भगवान राम के पुत्रष्टि यज्ञ से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की घटनाओं को मूर्तियों के माध्यम से मनाने के लिए झांकियां सजाई जाएंगी, ताकि युवा अगली पीढ़ी श्री राम के जीवन को करीब से समझ सके। राम कथा कुंज गलियारे को भगवान राम के जीवन पर आधारित 108 प्रसंगों के माध्यम से सजाया जाएगा। इसके अलावा यात्री सुविधा केंद्र के मार्ग पर गलियारे को भी सजाया जाएगा।